मई का महीना जैसे जैसे करीब आ रहा है, मौसमी गर्मी के साथ साथ सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। यूपी की बात करें तो जौनपुर लोकसभा सीट पर इस वक्त सबकी नजर है, क्योंकि यहां से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है। वहीं आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद को जमानत दे दी। ऐसे में अब जौनपुर का चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा, तो चलिए बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई। धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिछले महीने याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और अब आज कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। 7 साल की सजा होने के कारण धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जौनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार हैं और जौनपुर लोकसभा सीट पर उनके आने से चुनावी माहौल खासा गर्मा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जौनपुर सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में गई थी, हालांकि उस समय सपा बसपा का गठबंधन था और इस बार बसपा अकेले चुनावी मैदान में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जौनपुर से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय रहे कृपा शंकर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है और समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतार कर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। इन दोनों उम्मीदवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रीकला रेड्डी की आई है। अब धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद माहौल और गर्मा जाएगा। धनंजय सिंह उनके लिए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर सकते हैं, इससे चुनावी रंग चढ़ना तय माना जा रहा है। खैर, धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद चुनावी माहौल तो बदल जाएगा, लेकिन धनंजय सिंह अपनी साख बचाने में कितने सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।